तबीयत है आपकी? दोनों कॉपीज लेके आए हो ना? ये तो टेंथ की। जी सर। किस स्कूल से हो? शोधा एपीएस। कहाँ है ये स्कूल? भावलपुर भी है? अच्छा, ठीक है। ये कॉपीज आपने खुद बनाई है? जी सर। सारी डायग्राम्स? जी सर। कंप्लीट है? ये ऑब्जर्वेशन वगैरह भी लिखे हैं आपने? जी सर। क्वेश्चन आंसर्स? कॉपी तो आपकी सारी माशाल्लाह ठीक बनी हुई है। बेटे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुनाओ। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि बायोलॉजी का जो वर्ड है वो किसी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। बेटा किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ? लैटिन सर। लैटिन लैंग्वेज से? आई थिंक लैटिन लैंग्वेज तो नहीं थी, इट वॉज ग्रीक, ऐसा नहीं? मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ग्रीक है बेटा, ग्रीक से डिराइव हुआ बायोलॉजी का वर्ड। ठीक है, अच्छा टोटल कितने वर्ड्स थे जिनसे ये डिराइव हुआ? टू। शाबाश। बायोस। हाँ शाबाश, बायोस एंड लोगोस। इनका मीनिंग भी आता है आपको? बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन लॉजिक स्टडी। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग थॉट और रीजनिंग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, शाबाश। अच्छा आपने प्रैक्टिकल कौन सा परफॉर्म किया है? सारे किए। सारे किए नहीं, अभी जो आपने एग्जाम में लिखा है वो कौन सा लिखा है? सर नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइट एंड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपने नेसेसिटी चेक की। अच्छा तो बताओ फिर क्या जरूरी है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए? यस सर। और कार्बन डाइऑक्साइड? यस सर। लाइट भी जरूरी है? यस सर। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन सुना दो। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। सर आप कुछ पूछना चाहें? जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फोटोसिंथेसिस, इसका क्या मतलब? फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूजिंग लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप कहते हैं ये जो वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। यस। ठीक। कुछ आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा बेटे मेरा, मैंने आपकी कॉपी चेक करा था, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कॉपी बनाई है, बट यहाँ कुछ मेरे हाथ में किस तरह का पेज रहा है। जब आप एग्जामिनर के पास जाएँ तो अपनी कॉपी को पहले चेक कर लें कि उसकी बाइंडिंग अच्छी। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कॉपी बना रहे होते हैं ना, कॉपी बनाने के दौरान कोई पेज मिसप्लेस हो गया तो उसको चेक कर लेते हैं, गम वगैरह लगा के इसको अच्छी तरह कर लेते हैं। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपके कब है? केमिस्ट्री का हो गया या होना अभी? हो गया। इट्स ओके, थैंक यू। चलो थैंक यू बेटा, आप जा सकते हो। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये अपनी कॉपी लेते जाएँ बेटे प्लीज़। बैठे बैठे तशरीफ रखें। क्या नाम है बेटे आपका? मोहसिन। सही है। कौन से स्कूल से आप बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट सेकेंडरी हाई स्कूल चौदह एपीएस। गवर्नमेंट चौदह एपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्रेटरी टाउन बहावलपुर। आपके नाइन्थ में कितने मार्क्स थे? 484 आउट ऑफ 505। अच्छे स्टूडेंट हैं जी। प्लीज बेटे आपका रोल नंबर क्या है? 82875। ठीक है, आपने इसके ऊपर बेटा रोल नंबर 1 लिखा हुआ है। आपने कोशिश करनी है बेटा जो आपका रोल नंबर एग्जाम रोल नंबर है वो ही आपने लिखना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा बेटे आपने कोशिश करनी है कि आपका जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल होगा तो उसमें यहाँ पे जो रोल नंबर है वो आपने एग्जाम रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपके एग्जाम रोल नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स लगाने हैं, अब रोल नंबर 1 लिखा हुआ है आपने। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम रोल नंबर मुझे दिखा के जाएंगे। कॉपी आपने खुद बनाई है? यस। सारी? यस। अरे प्रैक्टिकल आपने एंड में किए हैं या साथ साथ करते रह गए हो? सर एंड में किए थे। एंड में किए थे। अच्छा कितने दिन लगाए हैं आपने ये प्रैक्टिकल करने में सारे? सर 15 डेज। 15 डेज लगाए हैं। ठीक है, परफॉर्म भी किए हैं आपने सारे प्रैक्टिकल्स? यस सर, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड स्लाइड्स प्रिपरेशन भी हमने परफॉर्म किए। अच्छा ठीक है, माइक्रोस्कोप चलानी आती है? यस सर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ फोकस करवाएं आपसे तो आप फोकस कर देंगे? यस। शाबाश। चलें जी, आप हमें बताएँ कि शाबाश माइक्रोस्कोप की टाइप्स कितनी होती हैं? सर लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल एंड कंपाउंड आपने बताया, क्या फ़र्क होता है दोनों में? सर सिंपल माइक्रोस्कोप जो होती है उसमें जस्ट सिंगल लेंस यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डबल लेंस यूज होता है। सही। ये कौन से वाली है?
सर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर भी दो लेंसेज इस्तेमाल हैं। कहाँ कहाँ पे हैं दो लेंसेज? सर एक ये आईपीस और सेकंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, सही। अच्छा, इसके ऊपर जो लेंसेज हैं उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी होता है? यस सर। क्या लिखा होता है सर? मैग्नीफिकेशन लिखी होती है। शाबाश, मैग्नीफिकेशन पावर लिखी। मैग्नीफिकेशन पावर की डेफिनेशन सुना दो सर। मैग्नीफिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इट्स बेटा नॉट द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इट्स द एबिलिटी ऑफ लेंस इट्स द एबिलिटी ऑफ लेंस टू व्हिच इंक्रीजेस द अपेरेंट साइज ऑफ एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। शाबाश, मतलब जो अपेरेंट साइज को बढ़ा देते हैं। गुड, ठीक है। अच्छा, आपने स्लाइड्स भी देखी हैं? यस सर। अच्छा, आपने कौन सी स्लाइड देखी है? बी वाले में कौन सी स्लाइड थी? सर परमिशन। अच्छा, परमिशन देखा आपने। शाबाश। परमिशन के बारे में क्या जानते हैं? परमिशन क्या है सर? परमिशन इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही है, शाबाश। आपकी बुक में पहला पहला जो प्रैक्टिकल है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो कितनी टाइप्स हैं बैक्टीरिया की शेप के हवाले से जो आपकी बुक में मेंशन किया? फोर टाइप्स। शाबाश, कौन कौन सी होता है? स्पायरिनम, बैसिलस एंड विब्रियोस और ठीक है। एक को काय आपने पढ़े होंगे, गोल शेप के भी थे। ठीक है, चलें बेटा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक सर। क्या नाम है बेटे आपका? सर मेरा नाम साहब हूँ। साहब, ये बताएं आप बेटा किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? सर मैं गवर्नमेंट शोधा एपीएस। आज सारे स्टूडेंट हमारे पास की गवर्नमेंट शोधा एपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल सेटन बहावलपुर से ही आ रहे हैं। सही। अच्छा, आज आपका बायोलॉजी का बेटा प्रैक्टिकल है? जी सर। माशाल्लाह, आपने बड़ी मेहनत से काफ़ी बनाई है। हम अक्सर बेटा ये सवाल पूछ लेते हैं बच्चों से कि भाई आपने ये काफ़ी खुद बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि भाई जैसे बनी बनाई कापी जो है ना किसी दोस्त से, ये पुराने कोई कज़न की कापी से ले लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो आपने ये कापी सर्टेनली खुद ही बनाई होगी? जी सर। अच्छा, इसमें ये बता दें कि आप व्हाट इज़ बायोलॉजी? जी, बायोलॉजी फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायो एंड अबोव, बायो मीन लाइफ एंड अबोव मीन थॉट ऑफ लिविंग। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ? सर साइंटिफिक लेवल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सर। अच्छा बेटे, आपने प्रैक्टिकल कौन सा परफॉर्म किया है? सर मैंने परफॉर्म किया प्रैक्टिकल कार्सिनोजेंस वाला। अच्छा, कार्सिनोजेंस वाला, ठीक है। मतलब आपने सिगरेट स्मोक के अंदर जो है वो कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिगरेट के अंदर कितने कार्सिनोजेंस होते हैं, कोई आइडिया है? मोर देन 5000। आपकी बुक में आई थिंक 4000 तक कवर, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये तो ये जो सिगरेट पीने का नुकसान सिर्फ पीने वाले को होता है या जो साथ बैठा हुआ है उस धुएं से मुतासर होता है उसको भी इफेक्ट हो सकता है? जी सर, साथ बैठे वाले को ज़्यादा होता है पैसिव स्मोकिंग, क्योंकि एक जो डाइट इनहेल करे वो फिल्टर से करे, लेकिन जो दूसरा करे वो पैसिव स्मोकिंग विदाउट फिल्टर करे, इसलिए वहाँ पर कैंसर ज़्यादा आ जाता है। और भी कुछ इफेक्ट्स हैं सिगरेट स्मोकिंग के? जी सर, कैंसर, एम्फिजीमा और अस्थमा वगैरह, इस तरह के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अच्छा मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट बता दें। सर आर्थियोस्क्लेरोसिस आर्टरीज को नैरो कर देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। शाबाश। कोई आपने ब्लड की विस्कोसिटी पे, ब्लड के थिन या थिक होने के बारे में भी पढ़ा था? जी सर। तो क्या सिगरेट स्मोक ब्लड को थिक करता है या थिन करता है? सर ब्लड को थिक करता है। उसकी वजह पता है? जी सर, उसमें क्या होता है? एक दूसरा नाम क्या होता है? सर प्लेटलेट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग, उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या हमारे टूथ लॉस के ऊपर भी इफेक्ट होता है? टूथ की स्टेनिंग भी हो जाती है? ठीक है। इस
इसलिए सिगरेट पीने वालों के दांत पीले पीले हो, दांत पीले पीले भी और छोटे रह जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं ऊपर से, छोटे छोटे दांत हो जाते हैं, खासतौर पे जो कराची में लोग रहते हैं जो ये कैटिची गुटखा वगैरह खाते हैं, शालिया वगैरह खाते हैं, उसमें भी यही मेन कैफीन वगैरह निकोटीन वगैरह होती है जो अफेक्ट करती है। ठीक है, निकोटीन के बारे में क्या जानते हैं? सर निकोटीन पास में एज अ इंसेक्टिसाइड यूज होती है, और अब इसे स्मोक से इनहेल करते हैं, सिगरेट स्मोक से, ये हमारे ब्रेन पे बहुत बुरा फंक्शन करती है, अफेक्ट करती है, और कैंसर की भी एक वजह। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू सर, वेलकम बेटा। क्या हाल है बेटा? उमर नहीं। आपका नाम क्या है? उमर नहीं। उमर नहीं, किस स्कूल से? गवर्नमेंट स्कूल है। किस स्कूल का है? भागलपुर में। जी बेटा, ये प्रैक्टिकल कॉपीज आपने खुद बनाई है दोनों? जी ठीक है, आपने प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल से की, इसलिए आपको सरकारी वाली जो है वो कॉपी मिली होगी। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल कौन सा परफॉर्म किया बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी परफॉर्म की है, शाबाश। ठीक है, आप मुझे बेटा किडनी के बारे में बताओगे कि हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती है? पेयर ऑफ किडनी होता है हमारे एब्डोमेन के थोड़ा सा ऊपर होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा किडनी के आपने पार्ट्स भी पढ़े थे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल टिब्यूल बेटा। ठीक, ये आप किडनी के मुझे बता रहे हैं, रीनल कॉर्पसल रीनल टिब्यूल या नेफ्रॉन के बता रहे हैं बेटा? अच्छा मुझे किडनी के बताओ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। किडनी के पार्ट्स तो हाँ, एक आपने पढ़ा होगा, एक आउटर होता है, डार्क रेड इन कलर है, एक इनर है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल हेड। शाबाश, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल हेड। अच्छा किडनीज का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? मेनली तो वो फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन फॉर्मेशन में। मतलब कौन से ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा है किडनीज? यूरिनरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। यूरिनरी सिस्टम का दूसरा नाम भी है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास इसी यूरिनरी सिस्टम के? किडनी, पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेट्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होती है, और यूरेथ्रा होती है जो यूरिन को बॉडी से बाहर। ठीक है मैडम, अच्छा आपने किडनी से रिलेटेड उसकी भी डिजीज भी पढ़ी होंगी, कोई पढ़ी है आपने, टेंथ क्लास में पढ़ी होंगी। अच्छा, अगर हमारी बॉडी में किडनीज जो है वो वर्क सही ना करें, ठीक है, फिर क्या होगा? तो प्रॉपर एक्सक्रीशन ना हो आपकी, तो हमारा मतलब हम किडनी को बेहतर कर सकते हैं, मतलब उनका रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ फिर क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नतीजे क्या है? किडनी में क्रिस्टल्स बन जाएंगे जिसकी वजह से वो जिसे आमतौर पर कहते हैं कि पथरी हो गई या किडनी स्टोन। नहीं बेटा, आप चले गए डिजीजेस की तरफ। देखें, मैंने आपसे पूछा कि अगर किडनी फेल हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमारा हाँ यूरिन नहीं बनेगा, हमारी बॉडी से वेस्ट जो है ना वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। ठीक है, वेस्ट एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, इसका मतलब हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं है। ये पढ़ा था ना आपने, आपने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में ही आपने किडनी पढ़ी थी, होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं है, वाटर बैलेंस नहीं होगा, साल्ट बैलेंस नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, स्लाइड्स जो आपने माइक्रोस्कोप में देखी हैं, उनमें आपने कौन कौन सी स्लाइड्स देखी हैं? अच्छा, आपने अमीबा देखा है उसके अंदर, तो अमीबा के बारे में मुझे बता सकते हैं बेटा, अमीबा कौन सा जानदार है? शाबाश, यूकेरियोट है, यूनिसेलुलर है, शाबाश। अच्छा, इसकी लोकोमोशन के बारे में आप जानते हैं? लोकोमो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करता है? मूव नहीं कर सकता। अच्छा, आई थिंक मूव करता है। ठीक है, अमीबा मूव करता है, उसके सूडो पोर्स होते हैं। अमीबा का जो स्ट्रक्चर हम एक रेगुलर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, तो उसके अंदर ही हम कहते हैं उसके सूडो पोर्स हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा? उमर। ठीक है बेटा,